इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। खासकर इंसान पैसा कमाने के लिए या किसी और लिहाज से वो दूसरे गांव जाता है, दूसरे मुल्क को जाता है, लेकिन यहाँ से कुछ एजेंट अक्सर ये देखा जाता है कि उन्हें झूठ बोलकर गलत राह गलत दिशा दे देते हैं, लिहाजा वो वहाँ जाने के बाद काफी परेशान होता है और दूसरा मुल्क होने की वजह से उसकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह का एक वाकया हुंचनतिट सुल्तान नगर के अंदर वाकया रूनुमा हुआ है। उस नौजवान की मौत हो चुकी थी जो मलेशिया जाने के बाद यहाँ से जो भेजा गया था, उसे नौकरी की लालच देकर वहाँ भेज दिया गया था। जो आज जो है हमारा जो टीपू सुल्तान नगर में से एक लड़का मलेशिया गया हुआ था, जो यहाँ के एक एजेंट जो रामनगर में रहता है यहाँ पर बेलगाम में, उसने भेज दिया था कि वहाँ पर तुम्हारे को ये काम ऐसा ऐसा है, वो मॉल के अंदर बोल के फंसा के ये कर दिया है। तो लड़का वहाँ जाने के बाद में फंस गया और वीज़ा थी वो खाली 2 हफ्तों की, क्या तो भी वीज़ा 3 महीने की नहीं 2 हफ्तों की ही थी। तो वो वीज़ा उसको फ्रॉड होने की वजह से वो लड़का जो है वहाँ एकदम ये हो गया और पूरा और लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ पर काम भी नहीं मिला तो घर में ही बंद रहा वहाँ पर। इस वजह से वो जो है माइंड उसका पूरा ये हो गया, डिप्रेशन में जाके उसका माइंड खत्म होने के बाद में पाप वो वहाँ पर एक पाकिस्तानी खान साहब बोल के थे, उन्होंने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। फिर उसके बाद में एक 10-15 दिन के बाद में उसका जो है इलाज नहीं हो सका वहाँ पर, उसका माइंड पूरा ब्रेन हेमरेज भी हो गया था उसको, इसकी वजह से वहाँ पर उसकी मौत हो गई। इस वजह से अब 13 दिन के बाद में यहाँ पर बेलगाम तिरनवाड़ी टीपू सुल्तान नगर में उसको ला कर यहाँ ईदगाह जो कब्रस्तान है तिरनवाड़ी का, वहाँ पर उसको दफना दिया गया है। और जो एजेंट ने जो ये काम किया है ऐसा और किसी का काम वो नहीं करना, इसलिए उसके ऊपर यहाँ पर जो डीसी साहब हैं और हमारे यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो सब मिलकर उसको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि और ऐसे लोग फंसना नहीं चाहिए इसके अंदर। बहुत सारे लोगों को फंसाया हुआ है वो, और नाम उसका एजेंट का नाम जो है वो वसीम रामनगर में रहता है, वसीम बोल के, और कमिश्नर को बताकर उसका क्या है वो जो पूरा उसके एजेंट का जो है वो लाइसेंस है या नहीं है, क्या लोगों को इसी तरह से फंसाता रहता है वो, आप सब लोग उसकी तहकीक करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, अभी वो माँ बाप को एक ही लड़का था जो आज उसका मौत हो गई है, तो अब वो माँ बाप को कौन देखने वाले, तो ऐसी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ के एजेंट लोग और हमारे जो जाने वाले लड़के भी हैं वो सोच समझ कर एजेंट की तहकीक कर जाएं भाई, इसी तरह से अगर फंसते रहेंगे तो फिर कौन उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब और डीसी साहब को मैं इल्तिजा करता हूँ कि वो एजेंट को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको हवालात में बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैयत का नाम है निशाद उर्फ शहबाज इरशाद अहमद मुल्ला, साकिन तिरनवाड़ी हुंचनट्टी रोड बेलगाम। ये काम के सिलसिले में लॉकडाउन से एक महीना कबल जो इसे मलेशिया भेजा गया था एक वसीम नामी एजेंट के ज़रिए, और ये पता नहीं था कि उसने 15 दिन का वीज़ा लगाया है। तो जैसे ही वहाँ पे गया उसको कोई काम वगैरह नहीं मिलने की वजह से फिर बहुत मुसीबत, 15 दिन 20 दिन ऐसे महीना निकाला उसने। फिर उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन में उसकी इतनी हालत ख़राब हुई कि उसको खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। कोई वहाँ पे इंडियन या हिंदुस्तानी मिलने को तैयार रहता जो उसकी हेल्प करे मदद करे, और जो कुछ थोड़े उसके साथ में गए थे यहाँ से और लोग थे जैसे बम्बई के और अतराफ के, वो लोग अपने अपने जगह पे वो लोग भी कहीं चले गए, तो ये अकेला रह गया। फिर ऐसे कैसे लॉकडाउन निकल आया तो फिर इसके अंदर कॉल किया कि हमको वीज़े के लिए पैसा चाहिए, मैं वापस आना चाहता हूँ। फिर इसके बाद चाचा अनवर मुल्ला और उसके अब्बा जो है इरशाद वगैरह ने पैसे का इंतज़ाम करके वो एजेंट को जो है फिर से पैसे दिए, लेकिन वो ऐसा आदमी निकला उसके अंदर जरूरी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी कि उसने वो पैसे लेकर भी वापस आगे नहीं भेजा, वो भी पैसे फिर रख के अपने जो पास रख लिया या खाया, पता नहीं क्या किया उसने। फिर उसके बाद पता चला कि वो पैसे नहीं दिया तो फिर जाके उससे जो है कुछ बदतमीजी गाली गलौज या जो भी उसके साथ झगड़ा वगैरह किया, तो उसने कुछ पैसे वीज़े को डाला। तब तक इसने बोला कि वहाँ से, और वापस कॉल आया बुधवार के दिन, इससे पहले के बुधवार के दिन जो है, कि मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं टिकट बना के आ जाऊँगा आप भेजो। जैसे इनके घर वाले टिकट का इंतज़ाम कर रहे थे अचानक इसे पता नहीं क्या हुआ
एक रास्ते पे गिरा हुआ था, कोई खान नाम का एक आदमी जो है इस हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां पता चला कि इसका जो है दिमाग फेल हो गया है। फिर 15 दिन तक मलेशिया के हॉस्पिटल में, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, अमेरिकन डॉक्टर्स वगैरह ने उसकी बहुत कोशिश की बचाने की और इलाज करने की, लेकिन जो है नहीं हुआ। फिर उन्होंने बार बार वहाँ से, हम बात कर रहे थे कि आप या तो साइन करने के लिए कोई इंडियन भेजो या आप कोई आदमी जो है यहाँ आ जाओ, हम जा भी नहीं सकते थे, कोई इंडियन वहाँ पे आदमी मौजूद भी नहीं था। फिर ऐसे तैसे करके वहाँ से पेपर मंगाया कि तो पेपर में साइन करेंगे, तो वो भी नहीं हुआ। लास्ट में हॉस्पिटल वाले ने जुमेरात के दिन शाम को जो वेंटिलेटर से जैसा निकाले, फिर उसकी जो है ना मौत हो गई। फिर वहाँ से फिर ये कार्रवाई शुरू हुई थी कि क्या करना, कौन है, कोई नहीं है। फिर जमात को ताल्लुका से कॉन्टेक्ट किए लोगों ने, उससे तबलीग जमात के जो कॉन्टेक्ट में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अलहमदिल्ला वहाँ से बहुत लोगों के कॉन्टेक्ट रहे। उन्होंने तदफीन करने का पूरा इंतजाम भी किए थे वहाँ पे इतवार के दिन, क्योंकि एम्बेसी 2 दिन बंद थी। फिर हमारे मुल्क के उनके हालात बिगड़ने की वजह से एम्बेसी बंद थी वहाँ पे। उसके बाद में उन्होंने पूरा इंतजाम किया। तो फिर जिस खान ने एडमिट किया था, उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ तस्वीर करने नहीं दूंगा, ये माँ बाप का अकेला बेटा है और जवान है, 28 साल उम्र है इसकी, मैं इसको घर किसी तरह से भेजूंगा ताकि आखिरी रसूमात और इसका चेहरा वगैरह जो इसके माँ बाप देख सके। वो पाकिस्तानी है खान, हम मुलाकात वगैरह नहीं, सिर्फ नाम से जानते हैं हम, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हमारे 8 दिन से चल रहा है। फिर वो ऐसे करते करते उसने कुछ वहाँ पे चंदा इकट्ठा किया, क्योंकि भेजने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो हम बोले हमारे इनके माँ बाप या रिश्तेदार वगैरह इतना खर्च नहीं उठा सकते, तो उसने कहा वो मैं ही करूँगा, सिर्फ वो वहाँ से जो है आप ले लो, रिसीव कर लो। तो उसने अपने चंदा उठाओ, बता रहा था कि मैं चंदा उठाया हूँ। वो सब करके फिर पूरा जो है 13 तारीख ने 12 तारीख की रात को जो है उन्हें एयरपोर्ट में लेके आया, उसने उसको दिया, हमने दुआएं दिया, और इससे ज्यादा क्या करते, अल्लाह से जायका रहा था इसकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। उसने जो काम किया है तो काबिले तारीफ है वो काम जो है एजेंट को कभी भी। और अभी इसके खिलाफ हम कार्रवाई करने वाले हैं, एजेंट के खिलाफ भी कल चल रही है इंशाल्लाह। हाँ वो शुक्रिया उसको कि मोबाइल के ऊपर जो व्हाट्सएप के ऊपर भेजे, दुआएं दी उसको बहुत कि अल्लाह उसकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और उसकी भी मकसद करे, वो भी वापस दुआ करा जाए। ऑनलाइन आए हो हमारे पास में जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उनके घर के अफराद, पूरा मोहल्ला पूरा गाँव गमगीन है, अफसोस में है। लिहाजा एक पैगाम इससे ये भी है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। यहाँ से कोई फर्द किसी हजारों किलोमीटर दूर मलेशिया जाता है, वहां पर नौकरी नहीं है, 15 दिन भूखा प्यासा घूमता है, लिहाजा उसे अस्पताल में दाखिल किया जाता है। वहां से लेकर बेलगाम के इस टीपू सुल्तान नगर के कब्रिस्तान में दफन होने तक की ये कहानी, ये वाकई दिल दहला देने वाली है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो चौकन्ना रहे, सावधान रहे। जो भी नौकरी की तलाश में जाना चाहता है, अल्लाह रिस्क देने वाला है। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं क्या वाकई वो सही है, क्या भेजने वाला इंसान भी सही है, क्योंकि हर जगह पर खान जैसे लोग मौजूद नहीं रहते और हर जगह पर किसी की मैयत घर तक नहीं पहुंच पाती। लिहाजा तमाम को इस वाकियात से, इस मामले से सोचने की जरूरत है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।